शांति। आज 13 जुलाई 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे रक्षाबंधन का पर्व, प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम बाला कैसे होगा? उत्तर है, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम बाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नज़दीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज़ होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं, यह तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए थे। यह ही पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है, पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो, पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते ही नहीं, यह होते ही यहाँ सब त्यौहार आदि संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्यौहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी? नहीं, वह भी यहाँ मनाते हैं, वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वह वहाँ नहीं मना सकते। यह सब कलयुग के पर्व हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। अब यह कैसे मालूम पड़े कि यह राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधते हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की, इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए। हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वॉइसलेस बनाते हैं। भारत वॉइसलेस था तो सारी दुनिया वॉइसलेस थी। भारत को वॉइसलेस बनाने से सारी दुनिया वॉइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं, नई दुनिया में सिर्फ एक खंड भारत होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य ही रहते होंगे। भारत सच खंड था, सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी यह पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वॉइसलेस बनने में लगाते हैं? टाइम तो लगता है। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यह है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे, यह उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा, यह कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा अलग रहे। यह मेला इस संगम युग पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। तीन नदियाँ वास्तव में है नहीं, गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? बाप कहते हैं, तुम्हारी यह गीता गुप्त है तो यह समझाया जाता है। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, इसमें
नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और यह ज्ञान चलता है एक लाइफ। फिर दो युग हैं, ज्ञान के प्रारब्ध ज्ञान नहीं चलता। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है, ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती हैं। अभी तुम्हारी आँखें खुली हैं, आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं, तुम भी ब्राह्मण हो, वह है कुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन यानी दलदल में पाँव फंस पड़ते हैं ना, तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं, तब बाप फिर आते हैं बचाने, जब बाकी छोटी रहती हैं। पकड़ने के लिए तो चाहिए ना, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की, करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि यह भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, भाई बहन बनाते हैं। शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई, अब एक एक को तो समझा नहीं सकते। फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगे, अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम बाला होगा। अभी विचार करना है, क्या करे जो समझे, रक्षाबंधन का अर्थ क्या है, जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है, पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है, श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा, कारोनेशन कभी दिखाते नहीं है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कारोनेशन हुआ होगा, प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कारोनेशन कहा, दिवाली पर कारोनेशन होती है, बड़ा भपका होता है, वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहाँ होती नहीं, घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं, वहाँ तो आत्माओं की ज्योत जगी हुई है, वहाँ फिर कारोनेशन मनाया जाता है, न कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है तो वापिस जा नहीं सकते। तो अब यह तो सब पतित हैं, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास, बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे, अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे, पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता। आजकल रिश्वत बिगर तो काम ही नहीं होता है, तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दे, तो दोनों एक हो जाए। तुम्हारी बात है योग बल की, योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको, भू भू करते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है, इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बेहद का वर्षा लेने के लिए, वह है ही गुप्त जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो, सिर्फ यहाँ बैठ कर योग नहीं साधना है, ज्ञान और याद दोनों सहज हैं। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का शांति का सागर है, यह दो बातें हैं मुख्य, इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है, तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, देवी गुण भी धारण करना है, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, काम का भी भारी अवगुण है। बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो, भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देखते हुए न देखो। हम तो अपने बाप को याद करते हैं, वह ज्ञान का सागर है, तुमको आप समान बनाते हैं तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। वह है परमात्मा, परम धाम में रहते हैं इसलिए परम कहा जाता है, वह तो तुम भी रहते हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो,
पास वीद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता। यह जो कहते हैं हजारों सूर्य से तेजो में, यह सब है गपोड़े। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए। आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार बात एक हो जाएगी। बाप ने रियलाइज कराया है मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ, समय पर आकर सबकी सदगति करता हूँ, सबसे शास्त्री भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ न सके, दशहरा पहले होना चाहिए फिर कृष्ण आना चाहिए। यह हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं, टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप है, झाड़ कितना बड़ा है, आत्माएं ऊपर में बिंदी रूप में रहती हैं। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है। वास्तव में एक सेकेंड में समझदार बनना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है जो समझते ही नहीं। नहीं तो है एक सेकेंड की बात। हद का बाप तो जन्म बाय जन्म नया मिलता है, यह बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। तुम कभी दुख नहीं देखते हो, पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान जाकर रहेगा। बाप को याद करना और वर्षा लेना है, बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं। त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है, इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं, हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वह अच्छी रीति समझते रहेंगे। पिछाड़ी में आने वालों को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाप आता है, भक्ति किसने शास्ती की है यह भी अब तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो, तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की है। तुम ही अपने से पूछो, हमने शास्ती भक्ति की है या इसने। सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं जरूर उसने शास्ती भक्ति की है। बाबा नाम तो लिखते हैं, कुमार का है, जनक है, मनोहर है, गुलजार है, नंबरवार तो होते हैं। यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते तो विचार करना है। रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डाले, वह तो ठीक है मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं हैं। तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाए। 63 जन्म विकारी बने, अब बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वह उतर जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिरते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है।
शरीर को देखते हुए न देख आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है। दूसरी पॉइंट है, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हरेक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। विश्लेषण है, चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यह देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जान कर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। आज का स्लोगन है, संकल्प रूपी पाव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। संकल्प रूपी पाव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।